काफी इंटरेस्टिंग बेस, बेस है पूरा ना रिंग बेस है, ये बेस है, है ना वो माइंड ब्लोइंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहां पर अपर ट्वेल्व ओ कलॉक साइड आउट ऑफ आउट आउट कंपार्टमेंट आप देख सकते हो बॉम्ब टावर डोल्डन टेस्ला विजट टावर कैनन एयर डिफेंस आर्चर टावर स्केलेटन ट्रैप भारी रखे हुए बॉक्स के अंदर भी स्केलेटन ट्रैप तीन इडन टेस्ला

गाइज मल्टी इनफंडो इन द रेंज ऑफ मल्टी वेट अ मिनट मल्टी इनफनो रेंज में आ रहा साथ साथ में यहाँ पर एक्सबो रेंज में आ रही है लेट मी फिक्स दैट मल्टी इनफनो ये रेंज में नहीं आ रहा तो so, यहाँ पर अपन थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं ऑन लाइव स्ट्रीम ही इसको मैं थोड़ा आगे रखूंगा एंड इसको थोड़ा अपन और आगे कर लेंगे ताकि ये रेंज के अंदर में चले जाए एंड यहाँ पर अपन को एक बस नॉर्मल सी एक बिल्डिंग उठानी है जैसे ये वाली बिल्डिंग अपन उठा लेते हैं एंड इसको अपन प्लेस कर देंगे इनर साइड देन अब देख सकते हो कि ये रेट टावर भी अपन ने फिक्स कर लिया एंड यहाँ पर दोनों रेज रेट टावर के अंदर आ रहे एबिलिटी के अंदर में एक्सबो भी दोनों एबिलिटी में आ रही है विथ ईगल आर्टिलरी, तो डैमेज डेडली हो जाएगा इधर एंड इस तरफ अगर आप देखोगे होना नाइन ओ क्लॉक साइड एक कैनन आउटसाइड द बॉल ले रहे विद आर्चर टावर एयर डिफेंसिंग ट्रैप कंपार्टमेंट के अंदर में रॉयल चैंपियन स्केलेटन ट्रैप मोटार बॉम्ब टावर आर्चर टावर बिल्डर हट एंड हॉल कंपार्टमेंट अगेन हैवी है हॉल के बाहर वाली साइड ही हैवी है यार टावर बहुत टावर रखे हुए तीन चार कैनन रखे हुए दो विजर टावर रखे हुए ब्लैक माइंड बॉम एयर डिफेंस मोटर मल्टी इनफर एंड ऑल्सो बिल्डर हट टाउन हॉल कंपार्टमेंट के अंदर में फ्रंट साइड में दो एक्सबो एक कैनन एक रेड टावर और बहुत सारे अपने रेड बॉम और ये वाले टाउन हॉल के रेड टावर में देख सकते हो दोनों एक्सबो मल्टी इन्फरनो टाउन हॉल इट सेल्फ कैन आर्चर टावर बिल्डर हट सब रेज में आ जाएगा टाउन हॉल के पीछे में भी रखे हुए दो बिल्डर हट टोनेडो ट्रैप रेड बॉम्ब ब्लैक माइन मोनोलिथ इट सेफ एंड सेंटर में रखा हुआ है क्लाइंट आर्सल विथ एयर स्वीपर एंड ये पूरा का पूरा बेस है यर वी गो द स्कॉट बेस विदाउट एनी ट्रैपिंग एंड वॉज देख लो बेस की काफी इंटरेस्टिंग है काफी ऐसी है मतलब कंफ्यूज हो जाएगा अपोनेंट अटैक करने से पहले कि उसको कहां से अटैक करना चाहिए पर्टिकुलरली इस बेस के अंदर में एंड इसका डिफेंडिंग आई एम सजेस्टिंग यू टू यूज अ थ्री आइस गोलम फाइव आर्चर इट्स वर्किंग प्रिटी वैल इन दिस बेस सो जस्ट यूज इट इंजॉय ठीक है ये वॉर में भी काम करेगा लेजेंड में भी काम करेगा एंड ये गो द बेस नंबर टू ब्रोस सो so, यहां पर वाला बेस भी इंटरेस्टिंग है इसमें अगेन बॉक्स बेस है हॉल कंपार्टमेंट के फ्रंट साइड की बात करते हैं कैनन आरचर टावर हिडन टेस्ला बिल्डर किंग टावर मल्टी और जॉइन बॉम्ब स्केलेटन ट्राइब रेड बॉम हिडन टेस्ला ग्रैंड वार्डन स्टैच्यू विजट टावर कैनन आर्चर टावर इधर में एयर डिफेंस एक इधर में एयर डिफेंस एक अब बचा है हॉल कंपार्टमेंट दो मैन बॉक्स के अंदर में और मेन हॉल कंपार्टमेंट पे रखा हुआ है दो एक्सबो लॉट्स ऑफ बॉम्ब जाइंट बॉम्ब, रेड बॉम्ब, एयर स्वीपर स्केलेटन ट्रैप एज वेल रेंज टावर की अगर रेंज की बात करूं मैं तो इट विल रेजिंग द बोथ ऑफ द एक्सबोम दाउन ऑल इट सेल्फ एंड इसके बगल में अगर बात करें इधर एक स्कैटर शॉर्ट कंपार्टमेंट है इसमें आउटसाइड द कम्पार्टमेंट रखा हुआ विजेट टावर कैन एन आर्चर टावर एंड मोटर एक बाहर की तरफ भी है एंड इधर यहाँ स्कैटर शॉट जॉइन बॉम स्केलेटन टाइप बॉम हिडन टेस्ला बिल्डर हट और आर्चर क्वीन रखी हुई है इधर केवल और केवल बिल्डर हट स्कैटर शॉट और रॉयल चैंपियन अगेन मल्टी मोटर आर्चर टावर टावर एंड कैनन रखा हुआ है अपर साइड में और ट्वेल्व साइड भी कुछ डिफेंस रखे हुए दो आर्चर टावर कैनन एयर डिफेंस ब्लैक माइन एंड इधर सेम पर ब्लैक माइन दो आर्चर टावर कैनन एयर डिफेंस स्पिनिंग ट्रैप रखे हुए ओपन वॉल बाथिंग पे साथ ही साथ में रखा हुआ है कैनन विस्त टावर बिल्कुल फर्स्ट कंपार्टमेंट में उसके बाद सेकेंड कंपार्टमेंट में यहाँ पर टोनेडो ट्रैप स्पिनिंग ट्रैप स्केलेटन ट्रैप ब्लैक माइन जॉइन बॉम्ब दो टेस्ला दो टावर ईगल मोनोलिथ so ये पूरा का पूरा और सेंटर के अंदर में दो एक्सबो दो मल्टी इनफंडो दो जाइंट बॉम्ब दो रेड बॉम्ब साथ में बीच में रखा हुआ रेंज टावर विद एयर स्वीपर एंड टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट में क्लैन सर एंड दो ब्लैक माइन रेंज टावर की रेंज में ईगल एंड बोथ ऑफ द एक्सबो बोथ ऑफ द मल्टी इन्फर्नो आएंगे रेंज में ये पूरा का पूरा बेस है हियर वी गो द स्कॉट व्यू ऑफ द बेस विदाउट एनी ट्रैपिंग here we go the walls of the base आप देख सकते हो काफी ट्रेंडिंग टाइप के बेसिस है ये बहुत ज्यादा लेजेंड एंड वॉर में यूज होते हैं एंड इसके साथ cc की बात करें तो use 3i is going to five archer working pretty well in this base as well चलो चलते हैं आखिरी बेस आज के बेस नंबर 3 की तरफ एंड here we go the active wall layout it's in a diamond base not a box base and diamond bases are pretty pretty viral in a like wars because lots of people are just using that type of bases town only front compartment में देख सकते हो 4 archer tower 8 स्लॉ बिल्डर हट हाँ टाउन हॉल के जस्ट सामने रखा हुआ है वार्डन स्टैच्यू के बाद थोड़ी सी वॉल की लेयरिंग दो बॉम टावर स्कैलिटन ट्राइब टाउन हॉल उसके पीछे में रेड एंड चार बिल्डर हट हाँ रखे हुए सिंगल इन्फर्नो दो मल्टी इन्फर्नो एंड उसके और जब पीछे में देखोगे तो दो हीरोज है आर्चर क्वीन एंड रॉयल चैंपियन विथ मोनोलिथ ईगल आर्टिलरी विथ बॉम्ब जाइन बॉम्ब स्कैलिटन ट्राइप ब्लैक माइन रेड बॉम एंड रेज टावर की रेंज में अगर आप देखोगे तो भाई यहां पर दोनों मल्टी और मोनोलिथ यहां पर रेंज के अंदर में आ जाएगा और यहाँ भी बाहर की तरफ में कुछ डिफेंसर रखे हुए विजेट पर मोटार कैनन आरचा टावर एंड uh, इधर भी बाहर की तरफ में अगर आप देखोगे कैनन एयर डिफेंस हिडन टेस्ला एक्सबो कैन uh, स्कैट बारबेडियन किंग uh, विज़र टावर हिडन टेस्थला एक्सबो जाइंट बॉम स्पिनिंग ट्रैप ब्लैक माइन हिडन टेस्ला एयर डिफेंस कैनन आर्चर टावर कैनन ये सब कुछ रखे हुए है एंड इधर एक देखोगे तो इस कंपार्टमेंट में रखे हुए आर्चर टावर विजर टावर मोटर एंड अब बचता है सेंटर एंड सेंटर में यहाँ पर स्कैटर शॉट वाले कंपार्टमेंट में दो स्वीपर दो एयर डिफेंस विथ ब्लैक माइन बॉम स्पिनिंग ट्रैप जाइंट बॉम रखे हुए इसके आगे में दो कंपार्टमेंट है एक्सबो के साथ में दो दो कैनन है दो एक्सबो है एक कंपार्टमेंट में जाइट बॉम और स्केलेटन ट्रैप रखा गया। उसके आगे में रखा हुआ है रेज टावर बाहर की तरफ में भी यहां पर काफी डिफेंसिस है रेज टावर की रेंज में देख सकते हो चारों के चारों एक्सबोर दोनों के दोनों स्कैटर शॉट्स और जस्ट थिंक अबाउट द डैमेज दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा डैमेज मिलने वाला है दोनों टावर की प्लेसमेंट इस बेस के अंदर में हो रखी है वो भी अमेजिंगली एंड चलो स्कॉट व्यू देखते हैं पाथ ऑफ दैट बेस एंड हियर वी गो द वॉल्स वॉल्स डायमंड शेप विद लॉट्स ऑफ ओपन वॉल पाथिंग एंड डायमंड बेस वर्क्स प्रीटी वेल इन लेजेंड वॉल सी डब्ल्यू एल इट्स ठीक है एंड इसके सीसी की अगर बात करें तो यूज थ्री आईजम अगेन वर्किंग बिकॉज टाउन होल के जस्ट पीछे

और इधर वाली साइड मोनोलिथ तो फ्रीज करेगा अगर आइस गोलम तो आपको बहुत बढ़िया वैल्यू यहां पर देखकर जाने वाला है ये बेस सो प्रेटी मच फॉर देट वीडियो आई होप यू लाइक इट हिट द लाइक सब्सक्राइबर देख लो थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री हो चुके फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही बेसिस आपके लिए मैं लेकर के आता रहूंगा और बेसिस कैसे लग रहे कमेंट जरूर से करना वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आई रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट एज वेल थैंक्स आर लॉट फॉर वॉचिंग टिल देन एंड एंड अभी भी देख रहे हो आप तो एक हार्ट बनाकर जाना कमेंट सेशन में थैंक यू सो मच फॉर watching have a nice day clash I love you all